हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बैंक सॉल्व। तो आज हम लोग हॉट्स क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी का वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। आपको पता ही है कि ये हॉट्स क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं हॉट्स में, ऐसे क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके जाओ बाय चांस अगर आ गया तो, है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन हमारा क्या है, फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑर्डिनरी ईयर है ना उसमें क्या होंगे 53 संडेज होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इसका मतलब क्या है पहले समझो, क्योंकि बहुत बच्चों को इसका मतलब ही नहीं समझ में आ गया होगा। तो पहले तो ये समझो कि व्हाट इज ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर मतलब कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर। ओके, जैसे कि ये जो हमारा 2022 जो है वो हमारा क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, या वी कैन ऑल्सो से नॉर्मल ईयर। ओके, तो आप लोग बोलोगे कि तो सारे ईयर तो नॉर्मली तो होते हैं, अभी इसमें ऐसा कौन सा ईयर है जो एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल नहीं होता है, एक दूसरा ईयर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। यस, लीप ईयर। तो क्या होते हैं, दो टाइप के ईयर्स होते हैं, दैट इज एक ऑर्डिनरी ईयर या वी कैन ऑल्सो से नॉर्मल ईयर। ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, और दूसरा टाइप है लीप ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 365 डेज होते हैं, सबको पता होगा 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है, तो ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज, ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो ऑर्डिनरी ईयर है ना इसमें क्या होंगे, 53 संडेज होंगे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझा होगा कि मतलब कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज बताती हूँ, जो हमारे ये 365 डेज होते हैं ना ऑर्डिनरी ईयर में, इसमें क्या होता है पता है, इसमें 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, प्लस क्या होता है, प्लस 1 डे होता है। ठीक है, अब ऐसे मुझे कैसे पता चला, तो देखो आपको क्या करना है, ये जो 365 है ना उसको क्या करो, डिवाइड करो 7 से। अब 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज देर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, तो डिवाइड करो, देखो क्या मिलेगा, 7 5 होगा 35। ठीक है, 7 5 35, 1 बचेगा यहाँ पे 5, तो 7 2 क्या होगा, 14 होगा। तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। यानी कि इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 365 डेज जो होते हैं उसमें 52 वीक्स होते हैं, प्लस क्या होता है 1 डे होता है। ओके, प्लस 1 डे होता है। अब यहाँ पे देखो ये 52 वीक्स होते हैं, इसका मतलब क्या कि इसमें ऑलरेडी 52 संडेज होंगे, 52 संडेज होगी। ठीक है, 52 संडेज तो गारंटी होते ही होते हैं। हमेशा याद रखना, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है ना उसमें गारंटी के साथ एटलीस्ट 52 संडेज तो होने ही है, यानी कि 52 संडेज होते ही है। ओके, प्लस ये जो 1 डे है ना, प्लस ये जो 1 डे है, इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें ये जो 1 डे जो बच जाता है इसमें क्या हो सकता है, ये डे हमारा मंडे वाला भी हो सकता है, ट्यूसडे वाला भी हो सकता है, वेडनेसडे वाला भी हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, या फिर संडे हो सकता है। बरोबर, तो यानी कि यहाँ पे हमको वही बताना है कि ये जो एक दिन है ना, ये जो यहाँ पे ये जो 1 डे है ना, यहाँ पे अगर क्या आ गया, सपोज करो यहाँ पे क्या आ गया, अगर सपोज करो ये एक दिन जो है वो संडे का हो गया, तो मतलब उस ऑर्डिनरी ईयर में क्या हो जाएगा, फिर 53 संडेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 53 संडेज हो जाएंगे, क्योंकि 52 संडेज तो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन अगर ये जो एक दिन है इसमें अगर संडे आ गया तो मतलब 53 संडेज हो जाएंगे। लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी संभावना क्या है वो बतानी है। तो यहाँ पे देखो इसका सलूशन क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि क्या लिखोगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, देखो ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं, उस 365 डेज में होते हैं 52 वीक्स। ओके, 52 वीक्स होते हैं, मतलब गारंटी के साथ एक वीक में एक संडे तो आता ही है ना, तो 52 संडेज गारंटी के साथ हो गए ही हो गए। प्लस क्या होगा यहाँ पे 1 डे, ये एक दिन क्या हो जाएगा, एक दिन यहाँ पे रहेगा हमारा। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो एक दिन है इस, ये क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, ये कोई भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो एक दिन है ना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्योंकि ये एक दिन के ऊपर ही निर्भर करता है, ये जो एक दिन है ना इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारे 53 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यानी कि S हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा कि ये जो एक दिन है इसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे। तो यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हमारे पॉसिबल आउटकम है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो गया 7। लेकिन हमको किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो हम वो इवेंट लेंगे। लेट इवेंट ए है हमारे पास एंड वो क्या है कि जो एक वो रिमेनिंग डे है वो क्या है, संडे का है। ये जो रिमेनिंग डे है, ये जो एक दिन है, ये क्या है, सपोज करो कि ये जो है वो क्या है, संडे है। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही संडे है ना, एक ही संडे है, मतलब कि यहाँ पे इवेंट ए जो है वो हो जाएगा हमारा संडे, क्योंकि एक बार ही संडे आ सकता है, क्योंकि एक ही दिन है तो उस एक दिन में संडे जो है वो एक ही बार आ सकता है, इसलिए इवेंट ए हमारा ये हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए 1 है, ठीक है, तो 1 अपॉन क्या होगा, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स थे, 7 थे, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज 1/7। अब यहाँ पे देखो, अगर ये संडे के जगह पे क्या होगा, मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी होगा ना, तो सेम आंसर होगा, सेम आंसर आएगा, मतलब सेम प्रोबेबिलिटी ही आएगी, ठीक है। तो समझा कि नहीं? अगर ये क्वेश्चन नहीं समझाना डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है तो आपको समझ जाएगा। देखो ऑर्डिनरी ईयर मतलब नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज। अब देखो इस 365 डेज में क्या होता है, 52 वीक्स तो गारंटी के साथ होते ही है और प्लस 1 डे होता है, मतलब एक दिन हमारा रह जाता है, ठीक है, एक दिन हमारा रह जाता है। तो अब देखो आप थोड़ा विजुअलाइज करो, 52 वीक्स होते हैं, मतलब 52 संडेज हो गए, 52 संडेज हो गई। अभी सपोज करो ये जो एक दिन बच गया है, ये जो एक दिन है अगर वहां पे भी क्या आ गया, संडे आ गया, तो मतलब कि 53 संडेज हो जाएंगे। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये जो एक दिन बच गया है इस एक दिन में तो कुछ भी आ सकता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी आ सकता है। लेकिन संडे आए इस दिन, मतलब इस दिन संडे आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बताता है कि फिर हमारे क्या हो जाएंगे, 53 संडेज हो जाएंगे। तो हमारे सबसे पहले हमने वो सब कुछ लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो ये सैंपल स्पेस समझाना, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो एक दिन है इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा है, पहले संडे नहीं लिखा है, पहले मंडे लिखा है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो यहाँ पे सब लिख दो, ये सारे डेज ऑफ द वीक्स ये आ सकते हैं इस दिन, यानी कि इस दिन में। ओके, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद इवेंट लेना है कि हमको क्या चाहिए कि इस दिन क्या आए, संडे आए, है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस दिन संडे आए तो संडे आने के चांसेस कितने हैं, एक बार ये, क्योंकि एक ही दिन है इसलिए यहाँ पे संडे लिख दिया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल दी, बस हो गया। अब देखो सेकेंड वन करो तो और समझ में आएगा। सेकेंड वन देखो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर हैज 53 संडेज, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा लीप ईयर होता है ना उसमें क्या होंगे, 53 संडेज होंगे। तो अभी इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखो जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, कितने होते हैं, 366 डेज। अगर इसको थोड़ा सा बांट दे, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा टुकड़े कर दे तो ये हमको बताता है कि 366 डेज मतलब क्या, देखो 366 डेज मतलब होता है हमारे 52 वीक्स और प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा हमारा 2 डेज। ओके, 2 दिन और रहेंगे। मतलब कि कैसे, जैसे कि आपको क्या करना है, ये 366 को 7 से डिवाइड करना है। 7 से क्यों डिवाइड करोगे वो मैंने बता दिया है, क्योंकि देयर आर 7 डेज इन द वीक, तो ये डेज को वीक में कन्वर्ट करके देखना है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही होगा, 7 5 होगा 35, फिर 1 बचेगा 6 आया एंड 7 7 2 हो जाएगा हमारा 14, और यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, मतलब इसलिए यहाँ पे आया 2 डेज, ये 2 डेज और रहेंगे। ओके, 52 वीक्स और प्लस अगर हम लोग क्या करते हैं 2 डेज करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 366 डेज, ठीक है। ओके, तो अब देखो 52 वीक्स है, मतलब 52 संडेज आर गारंटीज, 52 संडेज तो गारंटी के साथ होते ही है यार, किसी भी साल में आप देख लो 52 संडेज तो, मतलब एटलीस्ट कम से कम 52 संडेज तो होते ही है, ठीक है। अब ये 2 दिन बच गए हैं, लेकिन ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बोल रही, कभी कभी ना मेरा टंग जो है ना स्लीप हो जाता है। तो ये जो 2 दिन है इसमें क्या क्या आ सकता है, तो आपको भी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। देखो ये 2 दिन क्या क्या आ सकता है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है ना, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे, है ना। या फिर क्या हो सकता है सैटरडे संडे आ सकता है, सारे कॉम्बिनेशन ले लो। ये जो हमारे 7 days ऑफ द वीक हो ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसके सारे कॉम्बिनेशन ले लो। जैसे दो दो के कॉम्बिनेशन सारे लेने हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, ये दो दिन कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये दो दिन जो है डेज क्या क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूजडे या फिर ट्यूजडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे, या फिर एक और एक बच गया है दैट इज संडे मंडे। संडे मंडे नहीं लिखा है बरोबर, तो संडे मंडे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉसिबिलिटी है, मतलब कि टोटल 7 पॉसिबिलिटी है इस दो दिन की। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, ये पूरा देखना आप सैंपल स्पेस हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा है कि 53 संडेज होने चाहिए। 53 संडेज कब हो गए, जब ये जो दो दिन है ना, ये जो हमारे दो दिन है ना, इसमें से एक भी अगर संडे आ गया, एक बार भी अगर संडे आ गया, ये जो दो दिन है इसमें अगर एक, देखो दो दिन है ना, ये दो दिन है, तो अगर एक बार भी क्या हुआ, ये दो दिन में से एक दिन भी अगर क्या आ गया संडे आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा 53 संडेज हो जाएंगे। तो एक दिन संडे आए तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फेवरेबल आउटकम है, ये देखो ये वाला, यहाँ पे देखो दो दिन में से एक दिन संडे यहाँ पे है और दो दिन में से संडे एक दिन यहाँ पे है, तो ये हमारे दो क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे एस लिखोगे। एस क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो चलो हम लोग एस लिखते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आपको पूरा यही लिखना है जो मैंने यहाँ पे बोला। यहाँ पे देखो पहले तो आप ऐसे लिखोगे 2 days, फिर ऐसे आप लोग लिख दोगे दिस 2 days कैन बी एनी वन ऑफ देम गिवन बिलो। ओके, गिवन बिलो मतलब जो हम लोग लिख रहे हैं नीचे। ये दो दिन जो है, ये जो दो दिन बच गए, ये जो दो दिन है इसमें कुछ भी हो सकता है। ये जो है ना, इसमें से कुछ भी वो हो सकता है, कौन सा भी डेज हो सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो मंडे ट्यूजडे कॉम्बिनेशन लिखना है। ठीक है, और मंडे ट्यूजडे लिख दिया, फिर हम लोग लिखेंगे ट्यूजडे वेडनेसडे, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे। सारा कॉम्बिनेशन आ गया है। ओके, सारा कॉम्बिनेशन आ गया है, आप चेक कर सकते हो खुद से कंफर्म करके। फिर हो जाएगा हमारा फ्राइडे सैटरडे, और फिर सैटरडे संडे, और फिर क्या होगा हमारा मंडे संडे या संडे मंडे, एक ही बात है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक इवेंट लेंगे, लेट इवेंट ए। इवेंट ए क्या होगा कि जो हमारा रिमेनिंग डेज है, यानी कि ये जो हमारा रिमेनिंग डे है इसमें क्या हो, संडे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो रिमेनिंग डे है, रिमेनिंग डे इज संडे, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि 53 संडेज होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, मतलब 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ए क्या है हमारा, इसके फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये जो दो दिन है यहाँ पे संडे चाहिए हमको, तो इसके फेवरेबल आउटकम देखो। तो फेवरेबल आउटकम एक तो ये हो गया, देखो यहाँ पे संडे है और यहाँ पे संडे है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये फेवरेबल आउटकम हो गए, दैट इज सैटरडे संडे और मंडे संडे। ओके, यानी कि अगर इस दो दिन में क्या हुआ, अगर ये जो दो दिन है उसमें सैटरडे संडे हुआ तो 53 संडेज हो जाएंगे, है ना। और अगर ये जो दो दिन है इसमें अगर मंडे संडे भी हुआ तो मतलब कि टोटल 53 संडेज हो जाएंगे, कि 52 तो ऑलरेडी थे, अभी एक दिन और आ गया संडे तो 53 संडेज हो जाएंगे। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। तो अभी यहाँ पे कितने हमारे आउटकम से फेवरेबल आउटकम, एक दो है, तो दो लिखो। देयरफॉर यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो और आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 2/7। ठीक है, 2/7 इज द आंसर। वैसे ही अगर आपको इस संडे की जगह पे मंडे दिया रहता, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे दिया रहता, तो सेम ही होता, ये सेम आंसर ही आता, मतलब आंसर सेम आता, बस आपके ये जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स है ना वो चेंज हो जाते डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे कौन से डे का जिक्र किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वन इज वेरी इजी। ये तो हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो थे वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं थे। ठीक है, A box contain 36 cards bearing only one number from 1 to 36 on each. If one card is drawn at random, find the probability of an event that the card drawn bears: number 1, a complete square number; number 2, a prime number; number 3, a number divisible by 3. Okay, सारे ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो इवेंट्स लिए हैं वो सारे ही कमाल के इवेंट्स है। क्या बोला है कि एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कार्ड्स है। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं और उस कार्ड्स के अंदर क्या लिखा है, नंबर्स लिखे हैं फ्रॉम 1 to लगा के 36, यानी कि टोटल 36 कार्ड्स है इस बॉक्स के अंदर। और रैंडमली हम लोग अगर एक कार्ड को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो हमको ये तीन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो हम लोग लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, एक हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो लिखेंगे, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग अपना सैंपल स्पेस पहले लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर रैंडमली हम लोग कोई भी एक कार्ड को उठा रहे हैं तो वो कार्ड जो है वो कौन सा भी हो सकता है, 1 से लगा के 36 वाला वो कार्ड कौन सा भी हो सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा टिल 36। ठीक है, 1 से लगा के 36। अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब एक एक करके हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इवेंट ए क्या है, अ कार्ड ड्रॉन इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। अभी कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा। देखो कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब क्या, जैसे कि 1, 4, 9, वेरी गुड, 16, 25। आप देखो पैटर्न यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो अगर सपोज करो एक नंबर लो, एक कोई भी नंबर लो, जैसे कि 1 लिया, अगर हम उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो नंबर हमने लिया है उसको अगर हम लोग खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को अगर हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर हमको मिला, ये जो नंबर है ना, वो होता है हमारा कंप्लीट स्क्वायर नंबर। क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। जैसे कि कोई भी आप इस दुनिया का नंबर ले लो, जैसे कि हमने ले लिया 5। अब 5 को क्या करो, 5 से ही मल्टीप्लाई करो, तो जो आपको नंबर मिला दैट इज क्या मिला, 25। तो ये हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर नंबर। जैसे कि 7 लो, 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करो, मतलब खुद से ही मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, 7, 7 जा 49, तो 49 है कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, इसके आगे जाओगे तो 36 होगा, फिर 49 एंड सो ऑन। ये सारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो अब 1 से लगा के 36 कौन कौन से हमारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो जाएंगे, जैसे कि 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मिलेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिलेगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 मिलेगा, और 36 भी ये सैंपल स्पेस का हिस्सा है, तो 36। इसके बाद बहुत सारे कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स है, लेकिन हमारे हम वो नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्ड के ऊपर जो है वो 1 से लगा के 36 नंबर्स ही लिखे हैं, तो इसमें से जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है वो सिर्फ लिखना था, तो लिख दिया। अब सैंपल पॉइंट्स कितना है यहाँ पे, तो देखोगे तो 6 मिलेगा। देयरफॉर अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चा अच्छे से लिखना। और यहाँ पे देखो ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, इसका महा रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है दिनेश सर के स्मार्ट स्टडी चैनल पे। ओके, तो अगर आपको कुछ डाउट है या बेसिक नॉलेज आपका क्लियर नहीं है तो वो वीडियो देख लो, महा रिवीजन वाला 2 घंटे में पूरा चैप्टर चकाचक हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे 6/36 हो जाएगा, 6, 1 जा 6, 6 जा 36, आगे आंसर 1/6। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, इवेंट बी क्या है, अ कार्ड ड्रॉन इज अ प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर तो मैं 10 बार समझा चुकी हूँ, ओके, लेकिन फिर भी अगर सारे नंबर्स आपको पता करने हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर हो गया, या जो नंबर डिविजिबल बाय 3 होते हैं उसको कैसे पहचानोगे, तो वो सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया हुआ है। आधे घंटे का वो वीडियो है, देख लो, बहुत ही काम का है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आई बटन पे उसका लिंक दे रही हूँ, देख लेना। ठीक है, चलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, सॉरी इवेंट बी पहले लिखेंगे। प्राइम नंबर्स आपको पता होगा, देखो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और इसका रीजन क्या है, वो आई वाले बटन पे जो वीडियो डाला है ना, वो वाले वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। चलो, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। ओके, 1 से लगा के 36, देखो ये 1 से लगा के 36 कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं वो मैं अभी लिख रही हूँ। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो उसका 1 फैक्टर होता है और एक खुद उसका, मतलब वो खुद उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे कि 2 प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है, 1 है। अब बहुत बच्चों को क्या होता है पता है, फैक्टर नहीं पता होता है। फैक्टर मतलब कि 2 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 2 1 के टेबल में आता है और 2 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, बाकी कोई भी टेबल में देखना आप लोग 2 नहीं दिखेगा आपको। वैसे ही 3 जो है, 3 1 के टेबल में आता है और 3 खुद के टेबल में आता है, बस। तो ये 2, 3 हो गया, ये प्राइम नंबर्स हो गए। 4 को प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि 4 जो है वो 2 से ज्यादा टेबल में आ जाता है। ठीक है, इसलिए जैसे कि 4 जो है वो देखो 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन 4 क्या होता है, 2 के टेबल में भी आता है, मतलब इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 2, 3, उसके बाद 5 प्राइम नंबर, उसके बाद 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है बच्चा। हाँ, वो ऑड नंबर और प्राइम नंबर में कंफ्यूज मत होना। ओके 11 प्राइम नंबर है, फिर 13, उसके बाद 14 नहीं, 15, 16 नहीं, 17 डायरेक्टली, फिर 19 होगा, 20 नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 यस, फिर डायरेक्टली 24 नहीं, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 29 डायरेक्टली होगा, 29, फिर 30 प्राइम नंबर नहीं है, 31 इज अ प्राइम नंबर, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, यानी कि बस हो गया, करली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1 से लगा कि 36 प्राइम नंबर्स ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आंसर आया। तो देयरफॉर अब प्रोबेबिलिटी लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, एंड दैट इज इक्वल टू 11/36, ठीक है, ये आंसर है। 11/36 डिवाइड नहीं होगा। चलो अभी इवेंट सी क्या बोलता है कि जो कार्ड हमने उठाया है वो डिविजिबल बाय 3 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है। तो डिविजिबल बाय 3 तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 3 का टेबल लिख दो, बहुत इजी है। जैसे कि 1 से लगा के 36, इसमें से कौन से नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है। 3 हो गया पहला 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, फिर 15 ले लो, उसके बाद आएगा हमारा 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33 और 36, तो ये हो जाएगी हमारे डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे प्रोबेबिलिटी, सॉरी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स देखोगे तो 12 होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ। और अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फॉर्मूला लिखो और प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो ये हो जाएगा हमारा 12/, सैम्पल स्पेस के अंदर कितने थे, 36 थे, यस, तो 12 1s are 12 3s, यानी कि 1/3 आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा, तो अच्छे से करना, ठीक है। चलो वैसे तो यहाँ पे 4 मार्क्स बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 4 मार्क्स के होता है, बट मुझे लगता है 3 मार्क्स के लिए आएगा वो। चलो अभी हो गया हमारा, अभी मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्रिएटिव क्वेश्चंस है, बहुत ही क्रिएटिव है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में भी नहीं, सॉरी क्वेश्चन बैंक में ही तो है, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। चलो अभी देखते हैं क्या दिया है। ओके यहाँ पे क्या बोला है, अ बैग कंटेन 5 व्हाइट बॉल्स and some blue balls. Okay, if the probability of drawing a blue ball is double that of the white ball, determine the number of blue balls in the bag. Okay, easy question है, टेंशन मत लो, यहाँ पे हटके क्वेश्चन है लेकिन easy है। पहले मैं explain करूँगी क्योंकि explain करना बनता है बॉस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये बॉक्स ले लिया, अब इसके अंदर क्या बोला है कि इसके अंदर ना 5 कितने बॉल्स है, 5 व्हाइट बॉल्स है, ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि इसके अंदर क्या है, सम ब्लू बॉल्स, मतलब कितने ब्लू बॉल्स है वो नहीं दिया है, वही हमको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, कुछ बोला है, कुछ ब्लू बॉल्स है वही तो हमको बोला है फाइंड करो, तो कितने ब्लू बॉल्स है वो फाइंड करना है। तो हम फिलहाल के लिए हमारे तसल्ली के लिए जो एक्स है ना वो ले लेते हैं, क्योंकि एक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो हमने ले लिया कि सपोज करो ये जो हमारा बॉक्स है ना इसके अंदर एक्स ब्लू बॉल्स है, कितने एक्स ब्लू बॉल्स है, ये हमने खुद से ले लिया, ठीक है, और यही x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कंडीशन रखिए, क्या कंडीशन रखिए कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन की तरफ अपना नजर रखना क्योंकि मैं 2 जगह अपना हाथ नहीं चला सकती। तो यहाँ पे क्या बोला है? देखो यहाँ पे कंडीशन रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ वाइट बॉल। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है कि हम लोग क्या करेंगे, ब्लू बॉल पिकअप करेंगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है, दैट इज डबल ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। ये कंडीशन हमारे सामने रखी है, तो इसी का यूज करके आप फाइंड कर लो कि कितने ब्लू बॉल्स है इस बैग के अंदर। ओके बैग है, मैंने बॉक्स बना दिया, चलो कोई बात नहीं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन बहुत सिंपल होने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट देयर आर एक्स ब्लू बॉल्स, एक्स ब्लू बॉल्स, तो यानी कि देयरफॉर हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, कितने बॉल्स हो जाएंगे इस बैग के अंदर, 5 व्हाइट बॉल है प्लस हमने बोला है कि एक्स ब्लू बॉल है तो प्लस एक्स कर देंगे, तो इतने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे इन बैग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आप पहचानो। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, बस वैसे ही करना है। यानी कि दो इवेंट लोगे आप लोग, क्या इवेंट लोगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ये इवेंट ए ले लेंगे। उसके बाद हम लोग लेके हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइड बॉल। फिर इस कंडीशन को मैथमेटिकली लिखेंगे। देखो बताती हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये जो हमारा बैग है इसमें से हम लोग रैंडमली कोई एक बॉल को उठा रहे हैं। तो हमारा जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर इन द बैग्स, तो वो है 5 + x। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + x। ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा इन सैंपल स्पेस। ठीक है, आप पता है ना सैंपल स्पेस लिखते हो, बट यहाँ पे सैंपल स्पेस को वो सेट फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइड बॉल कितने हैं वो पता है, 5 वाइड बॉल है, लेकिन ब्लू बॉल्स कितने हैं, x है। तो वो सैंपल पॉइंट्स को लिखना, यानी कि जो सेट के फॉर्म में, देखो ऐसे लिखते हो ना आप, ये देखो ये सेट के फॉर्म में कैसे लिखा था, ये लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो सारे आउटकम्स है ना वो नहीं पता हमको। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस पता चल गया है, वो होगा 5 + x, बिकॉज टोटल 5 + x बॉल है बैग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक इवेंट ए लेते हैं। इवेंट ए क्या लेंगे कि जो बॉल ड्रॉ किया है हमने, अ बॉल ड्रॉन इज ब्लू बॉल, अ बॉल ड्रॉन इज ब्लू बॉल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए क्या हो जाएगा, बताओ कितने ब्लू बॉल्स है, तो ब्लू बॉल्स है x, तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए हो जाएगा x, क्योंकि देयर आर x ब्लू बॉल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है वो लिख दो। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये हो जाएगा x अपॉन क्या हो जाएगा 5 + x, 5 + x। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये काम आएगा। अब हम लोग एक इवेंट b लेंगे, और इवेंट b क्या होगा कि अ बॉल ड्रॉन इज वाइड बॉल, अ बॉल ड्रॉन इज वाइड बॉल। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वाइड बॉल्स है वो पता है, कितने वाइड बॉल्स है, देखो यहाँ पे 5 वाइड बॉल्स है। तो यानी कि देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट b हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, और अभी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला यूज करके। तो ये हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे 5 अपॉन क्या होगा 5 + x, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो होगा हमारा बाय गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी, बताओ, जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइड बॉल। ये हमारा क्या था कंडीशन था। एक बार फिर से पढ़ो इस कंडीशन को, क्या बोला है, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइड बॉल। तो यही कंडीशन को हम लोग ने मैथमेटिकली लिखा है। अब हमको क्या पता है कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारा p of a। ओके, p of a, देखो अ बॉल ड्रॉन इज अ ब्लू बॉल, यानी कि जो वो इवेंट ए लिया था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू डबल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल जो है वो है हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो है x अपॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे x / x + 5 इज इक्वल्स टू डबल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल। कितना मिला था हमको, ये मिला था, दैट इज 5 अपॉन 5 + x। 5 + x बोलो या x + 5 बोलो, एक ही बात है। x + 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, रुको 5 + x लिख देती हूँ, वरना बच्चे सोचेंगे मैंने रॉन्ग लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 + x, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल जो है वो है 5 अपॉन 5 + x। ठीक है, ये लिख दो, यहाँ पे रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में लगा देती हूँ। इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग तो क्या होगा, ये 5 + x और 5 + x जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा कैसे कैंसिल आउट हुआ, ऐसे कैसे आपने कैंसिल आउट किया। तो देखो मैं समझाती हूँ, यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ पे जो माल मसाला है ना ये डिवाइड में है ना 5 + x, तो सपोज करो कि वो वहां पे क्या गया, मल्टीप्लाई में गया। ठीक है, ये डिवाइड में है ना 5 + x, तो इस तरफ शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 + x। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर ये 2 × 5 10 होता है, तो 10 लिख देती हूँ। अब देखो ये 5 + x है यहाँ पे, और ये 5 + x है, ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, हाँ, तो बस ऐसे ही लिखा, दैट इज x इज इक्वल टू मिल गया 10, x 10 मिल गया। यानी कि हमको पता चल गया है कि जो हमारे ब्लू बॉल्स है वो कितने हैं, तो देयर आर 10 blue balls. There are 10 blue balls in the bag. ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो क्या किया है, हमको बोला था एक बैग में है 5 व्हाइट बॉल ऑलरेडी है, 5 व्हाइट बॉल है, हमको फाइंड करना था कि उस बैग में कितने ब्लू बॉल्स है, और एक कंडीशन दी थी, क्या दी थी कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल उठाया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट बॉल, ये कंडीशन थी। तो जो कंडीशन थी वो किसके ऊपर थी, दोनों के प्रोबेबिलिटी के ऊपर थी, तो हमको दोनों का प्रोबेबिलिटी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो इस कंडीशन को हम लोग आगे जाके आगे लेके जा सकते हैं, है ना। तो हमने वही किया कि सपोज करो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा 5 + x, फिर हमने एक इवेंट ए लिया कि हमने ब्लू बॉल ड्रॉ की, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर इवेंट बी लिया कि हमने व्हाइट बॉल ड्रॉ की, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर उसको हम लोग ने मैथमेटिकली लिखा और देखो हमको ब्लू बॉल कितने हैं वो मिल गया। ठीक है, चलो सेकेंड वन इज वेरी इजी, ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या बोला है, द फेसेस ऑफ द डाई बियर्स नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक डाई है और ये डाई थोड़ी सी स्पेशल डाई है। स्पेशल डाई क्यों है, क्योंकि इस डाई के ऊपर जो नंबर्स है ना वो कुछ अलग है, नॉर्मल डाई नहीं है, ये कुछ अलग डाई है, क्योंकि इस डाई के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सारे नंबर्स लिखे हैं और इस डाई को हम लोग ने 2 बार रोल किया है, इज रोल ट्वाइस। ओके, इज रोल ट्वाइस, इज रोल ट्वाइस यानी कि 2 बार फेंका। तो अब हमको फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अपर फेस में जो डिजिट्स आए हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। प्रोडक्ट मतलब क्या, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम मिल सकते हैं वो सब लिख देंगे। तो जैसे कि हमको अपर फेस में दो डाई है ना, 2 बार उछाला गया ना उसको, मतलब 2 डाई नहीं, 2 बार उसको रोल किया गया, तो दोनों के अपर फेस में 0, 0 आ सकता है, मतलब 2 बार उछाला गया है तो दोनों के अपर फेस में 0, 0 आ सकता है, या फिर 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5। ये याद रखना कि यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो 5 है, ठीक है, 6 नहीं है, और स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 से, ये याद रखना। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, ऐसे कॉम्बिनेशंस बना दो आप लोग। तो यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 36। फिर यहाँ पे हम लोग एक इवेंट लेंगे। इवेंट ए क्या है कि जो प्रोडक्ट आया है अपर फेस में डिजिट्स का वो क्या है, 0 है। तो प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो दोनों नंबर्स क्या हो गए, 0 हो गए, तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 × 0, 0। या फिर ये दोनों में से अगर एक भी नंबर 0 हुआ तो भी प्रोडक्ट 0 होगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, देखो ये इसका प्रोडक्ट जो है ये 0 है, इसका प्रोडक्ट 0 है, फिर इसका प्रोडक्ट भी 0 होगा, 0 × 1 0 होगा, 0 × 2 0 होगा, इसका प्रोडक्ट भी 0, इसका प्रोडक्ट भी 0, इसका प्रोडक्ट भी 0, फिर ऐसे आ जाओ, फिर ये नीचे नीचे आ जाओ, ये सबका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मतलब जो फेवरेबल आउटकम है ना, ये देखो इवेंट ए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0, 0, फिर होगा 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, और फिर होगा हमारा 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 एंड लास्टली 5, 0। ठीक है, 50 नहीं, 5, 0। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। फिर से एक बार देख लो, देखो ये पूरे और ये पूरे, ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, इनका ही प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो जाएगा हमारा 11 और इसका अभी प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 11/36। ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉब्लम सेट में मिलेगा आपको। चलो अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वन। ये सेकेंड वन, फर्स्ट वन था, अच्छा ये भी सेकेंड वन था, ओके मिस्टेक हो गया होगा, ये हमारा थर्ड वन होगा, वही मैं सोचूं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थर्ड वन, ठीक है, यहाँ पे थर्ड वन। ठीक है, क्या दिया है देखो, क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर। ओके, मतलब कि एक हेलीकॉप्टर है जो क्या है, मिसिंग है, मतलब कि इसका एक रिपोर्ट आया है कि वो कहीं पे तो क्रैश हुई है, और कहाँ पे क्रैश हुई है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो एक रेक्टेंगुलर रीजन दिख रहा होगा, तो ये रिपोर्ट हुआ है, ये खबर पता चली है सूत्रों से कि वो इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं तो क्रैश हो गई है जो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुई है इनसाइड द लेक, यानी कि हमको फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो इस लेक में क्रैश हुई है। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि जो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो इस लेक में क्रैश हो गई है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे सैंपल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारा एस क्या हो जाएगा पता है, हमारा एस क्या हो जाएगा, एस मतलब सैंपल पॉइंट्स, पता है ना, सैंपल पॉइंट मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब इस केस में ये थोड़ा सा अलग है, ये नंबर वंबर कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ एक सिनेरियो दिया है आपको। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो एक हेलीकॉप्टर है जो मिसिंग है वो कहीं ना कहीं तो क्रैश हुई है, कहाँ पे क्रैश हुई है, पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब कि कौन से रीजन में वो क्रैश हो गई है। तो ये बोला गया है कि ये इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में, ये पूरा जो रेक्टेंगुलर रीजन है ना, ये पूरा रेक्टेंगुलर रीजन में वो कहीं ना कहीं तो क्रैश हुई है। मतलब सूत्रों से खबर मिली है कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में ही वो क्या हुई है, क्रैश हुई है। तो जो सैंपल स्पेस हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। जो भी इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया होगा ना वही हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस अगर हमको निकालना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस निकालना है तो हमको ये एरिया निकालना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर रीजन का। ओके, तो इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये ब्रेथ है, ये पूरा ब्रेथ है ना, ये देखो ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ हमारे पास है 4.5, ये मत लेना 2 मत लेना क्योंकि इतना ही रीजन क्या है, ये 2 है। तो पूरा ब्रेथ का जो पूरा लेंथ है वो है 4.5, ब्रेथ है हमारे पास 4.5 और जो लेंथ है वो देख लो, लेंथ है हमारे पास 9, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको मैं रफ कर देती हूँ, पहले एरिया निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, क्योंकि ये सैंपल स्पेस हो जाएगा, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर रीजन में ही क्या हुई है, हमारी जो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुई है। तो ये लिखेंगे हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सैंपल पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम लोग सैंपल स्पेस के, तो लेंथ है 9 इनटू ब्रेथ, देख लो ब्रेथ है 4.5, तो भी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 5 हो जाएगा 45, 36 और 4 हो जाएगा 40, बरोबर लिखा ना, 9 5 45, 9 4 36, 37, 38, 39, 40, हाँ, और पॉइंट यानी कि 40.5, ठीक है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब इस एरिया में कहीं ना कहीं तो हमारी हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गई है। तो ये हमारा पूरा सैंपल पॉइंट हो गया। ओके, यहाँ पे बस आप 40.5 लिख दो, स्क्वायर मीटर अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब हम एक इवेंट लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो अभी हम लोग इवेंट ए लेंगे। इवेंट ए क्या लेंगे हम लोग, कि जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है इनसाइड द लेक। ओके, हेलीकॉप्टर, मिसिंग हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी आप लिख लो, ठीक है। हेलीकॉप्टर का स्पेलिंग नहीं पता क्योंकि कभी यूज नहीं किया इतना। ओके, हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इनसाइड द लेक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इवेंट ए क्या हो जाएगा, इवेंट ए क्या हो जाएगा पता है आपको। इवेंट ए को वैसे भी हम लोग सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इस लेक का जो भी एरिया होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द लेक, एरिया ऑफ द लेक जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट ए हो जाएगा। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, नंबर निकालना है, अब एक नंबर निकालना है, मतलब कि एरिया ऑफ लेक अगर हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि लेक भी अगर देखोगे तो ये भी रेक्टेंगुलर रीजन में है, मतलब ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। तो जो भी हम लोग इस लेक का एरिया निकालेंगे वही हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे एन है, एन मीन्स नंबर। अभी नंबर में बताओ आप, नंबर में जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो देखो एक नंबर आया, ठीक है। तो अभी हम लोग को इस लेक का एरिया निकालना है। क्या करोगे बच्चा लोग, देखो क्योंकि इस लेक का लेंथ और ब्रेथ कुछ भी नहीं पता है तो वो निकालना पड़ेगा। अब आप लोग दिमाग लगाओ, देखो ये हमको क्या पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो अगर ये पूरा 9 है तो मतलब ये पूरा भी जो है वो क्या होगा, 9 होगा, बरोबर। ये जो पूरा है वो भी क्या होगा, 9 होगा। तो ये पूरा 9 होगा, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा 9 होगा। और हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको ये दिया है कि वो यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना है 6 है, 6 मीटर है। तो मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट अगर बच गया है, ये जो पार्ट बच गया है ये कितना होगा, तो ये होगा 3 मीटर। 3 मीटर क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा 9 है ना, तो 9 में से अगर आप लोग ये 6 को माइनस कर दोगे, ये पूरा 9 में से अगर आप 6 को माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 3। तो ये 3 हो गया, ये 3 मीटर हो गया। वैसे अगर देखोगे तो ये देखो, ये हमारा ब्रेथ है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो है और ये जो साइड है वो इक्वल हो गए। तो ये पूरा 4.5 है, मतलब ये भी पूरा क्या होगा 4.5 होगा, 4.5 मीटर। उसमें से ये दिया है कि ये 2 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये क्या होगा, ये क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे 4.5 में से हम लोग माइनस करेंगे 2 को। तो 2 को अच्छे से माइनस करना, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, 4.5 माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा ना 2 तो मार खाओगे, ठीक है। 2 यहाँ पर नहीं होगा, माइनस ऐसे नहीं करते हैं, डेसिमल में अगर नंबर्स होते हैं तो उसको अच्छे से माइनस करो। और कुछ बच्चे ऐसे 4.3 लिख के आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मत लिखना। हाँ, तो 4.5 है, माइनस करना है 2, तो पहले तो 4 के नीचे 2 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पे 0, ठीक है। 5 माइनस 0 करेंगे तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 माइनस 2 होगा 2, यानी कि 2.5 मिलेगा। तो मतलब कि हमको पता चल गया है कि ये क्या है, ये हमारा होगा 2.5, ये 2.5 होगा, 2.5 मीटर, ठीक है। एक्स्ट्रा अभी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है मैं सब रफ कर देती हूँ ताकि फिर से एक बार आपको बता सकूँ, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अभी आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। देखो तो हमको मिल गया है, क्या मिल गया है देखो, सच बोल, फिर से एक बार बता देती हूँ, ये हमको 3 मीटर मिल गया है, ये 3 मीटर मिल गया है, मतलब कि इस लेग का लेंथ मिल गया है 3 मीटर, और इस लेग का जो ब्रेथ है वो मिल गया है 2.5 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेग का भी एरिया निकाल लेंगे, तो बस हो गया, काम बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे अभी निकालते एरिया ऑफ द लेक, जो क्या होगा अगेन लेंथ ऑफ द लेक इनटू ब्रेथ ऑफ द लेक, वो सब हमने निकाल दिया है। लेंथ मिला है 3 इनटू ब्रेथ मिला है 2.5, तो चलो सॉल्व करते हैं। 2.5 इनटू 3, 5 3 15 और ये 7, तो 7.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या बोला कि जो हमारी, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमारी मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो इस लेक में क्रैश हुई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस लेक का जो भी एरिया होगा वो हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए हो जाएगा, एंड वो है 7.5, ठीक है। तो अभी हमको इसकी ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो होता है दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो आप लोग और सारे वैल्यूज को पुट कर देना। दैट इज यहाँ पे 7.5 अपॉन क्या है, यहाँ पे क्या आया था 40.5। तो अभी देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद अगर देखोगे दोनों में क्या है, एक ही डिजिट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 में एक 0 होता है, तो ये एक 0 क्या करेगा, हमारा ये डेसिमल पॉइंट हटाने में मदद करेगा। तो अगर आप लोग 7.5 इंटू 10 करोगे ना तो आपको मिलेगा 75, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग ये 40.5 इंटू 10 करोगे ना तो आपको मिलेगा 405, मतलब ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो 75 अपॉन 405। तो अभी इसको सॉल्व करो, तो 5 के टेबल में जाएगा, 5 8 40, 5 1 5, यहाँ पे होगा 5 1 5, 2 बचेगा ना, 5 1 5 2 बचेगा, 5 5 25, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जाएंगे हमारे 3 के टेबल में, देखना 3 2 6 होगा, फिर 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15। तो आंसर मिला हमको 5/27, मतलब 5/27 प्रोबेबिलिटी है कि जो वो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो इस लेक में क्या होगा क्रैश होगा। अब ये बहुत अजीब आंसर आया होगा 5/27, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है। तो आप इसको है ना परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख सकते हो। क्या करो, ये जो फ्रैक्शन है ना 5/27 इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिलती है। वो सब करना नहीं है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके देख लो, तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि अरे इतनी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मिसिंग हेलीकॉप्टर है वो इधर क्रैश हुई होगी। ठीक है, फ्रैक्शन में बहुत अजीब लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने का उस फ्रैक्शन को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो परसेंटेज में मिलती है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा ज्ञान आपको थोड़ा अभी नहीं दूं तो वही अच्छा है, क्योंकि आपकी एग्जाम आ रही है, कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए मुझे, तो ये रफ कर देती हूँ, ठीक है। चलो ये आंसर है हमारा 5/27। तो जिसको नहीं समझा है एक बार दोबारा देखना, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ वन करते हैं, तो फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन करेंगे, एंड आई थिंक उसके बाद एक और है, उसके बाद हो जाएगा हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है हमको, 3 हॉर्सेस A, B and C are in the race. A is twice as likely to win as B, and D is twice as likely to win as C. What is their individual probability of winning? Okay, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना वो क्या बोलता है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि there are three horse, ठीक है, horse A, horse B and horse C. तो यहाँ पे कुछ कंडीशन रखी है, क्या कंडीशन रखी है कि A is twice as likely to win as B. इसका मतलब क्या होता है पहले देखो इसको समझेंगे, ठीक है, एक एक करके स्टेप वाइज समझते हैं. क्या बोला है, A is twice, पहले तो मैं ये रफ कर देती हूँ ताकि फिर से एक बार अच्छे से हम लोग समझ सके. क्या बोला है, A is twice as likely to win as B. इसका मतलब होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है कि A हॉर्स जीतेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ट्वाइस as likely to win as B. इसका मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि A horse जीतेगा that is twice the probability of the winning of the B horse. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. आप खाली उसको पढ़ो और इसको देखो, मैं मैथमेटिकली लिख रही हूँ. क्या बोला है, A is twice as likely to win as B. इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है कि A horse जीतेगा वो क्या है, दैट इज इक्वल टू डबल द, यानी कि ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग ऑफ द बी हॉर्स. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है वो भी समझते हैं. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है. एंड क्या बोला है, एंड बी इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी. इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि जो बी हॉर्स जीतेगा, ठीक है, अभी क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी जो है कि बी हॉर्स जीतेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी. ओके, यानी कि अभी देखो ये जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है इसको मैथमेटिकली लिखा. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि बी हॉर्स जीतेगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कि सी हॉर्स जीतेगा. तो यहाँ पे ये दो कंडीशन को हमने मैथमेटिकली लिख दिया है. अब क्या बोला है, फाइंड देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मतलब कि हमको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए हॉर्स जीतेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि बी हॉर्स जीतेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है कि सी हॉर्स जीतेगा. तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. और हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या दी है, यहाँ पे हमको एक कंडीशन दी है, ठीक है. चलो, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट लेंगे. किसको लेट लेंगे, लेट लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है कि सी हॉर्स जीतेगा वो हम लोग ले लेते हैं एक्स. क्या लेंगे, एक्स लेंगे. ओके, प्रोबेबिलिटी जो है कि जो सी हॉर्स जीतेगा वो हम एक्स ले रहे हैं. अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमको क्या मिलेगा, इसके जरिए हमको ये पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि बी हॉर्स जीतेगा और प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए हॉर्स जीतेगा. जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर अभी हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी of the winning of the B horse क्या हो जाएगा, तो that is equal to twice the probability of the winning of the C horse. और C horse हमने लिया है कि probability है जो C horse जीतेगा वो x लिया है, तो यहाँ पे x आ जाएगा that is 2x. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि probability जो है कि B horse जीतेगा वो होगा 2x. ठीक है, 2x. अभी हम लोग निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि A हॉर्स जीतेगा. तो देखो उसकी कंडीशन यहाँ पे रखी है, वो क्या रखी है, उसकी कंडीशन यहाँ पे क्या रखी है कि प्रोबेबिलिटी जो है कि A हॉर्स जीतेगा दैट इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ B हॉर्स. और प्रोबेबिलिटी ऑफ B हॉर्स देखो अभी जस्ट ताजा ताजा हमको मिला दैट इज 2x. तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 2x दैट इज 2 into 2x और वो हो जाएगा 4x. यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है कि A हॉर्स जीतेगा दैट इज 4 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी हॉर्स. ओके, अब देखो, अभी ये बहुत लोगों को नहीं समझा होगा और कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ. देखो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि 3 हॉर्स है ए बी सी, और क्या बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना कि ए हॉर्स जीतेगा, प्रोबेबिलिटी जो है कि ए हॉर्स जीतेगा दैट इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बी हॉर्स. सबसे पहले ये कंडीशन दिया. फिर बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है कि बी हॉर्स जीतेगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द सी हॉर्स. सेकेंड कंडीशन ये दी. हमको इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने लेट ले लिया. सबसे पहले लेट ले लेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है कि जो सी हॉर्स जीतेगा वो हम लोग एक्स ले रहे हैं, ठीक है. तो उसके बाद हम लोग बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बी हॉर्स क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बी हॉर्स जो है दैट इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द सी हॉर्स. तो 2 into इसको हमने लिया है x, देखो अभी ताजा ताजा x लिया है, तो 2 into x क्या हो जाएगा 2x. तो ये मिल गया हमको सेकेंड. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ए हॉर्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ए हॉर्स क्या होगा, तो वो क्या था 2 times. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बी हॉर्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बी हॉर्स वो हमको मिला है 2x, तो 2 इंटू 2x करोगे तो आपको मिलेगा 4x, इसलिए ये 4x आया। तो ये ऐसे आया हमको 1 2 3, ये ऐसे आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक आपको है ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब पता चलने वाली है, और वो क्या है कि हमको क्या पता है कि जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि ए हॉर्स जीतेगा प्लस जो प्रोबेबिलिटी है कि बी हॉर्स जीतेगा प्लस जो प्रोबेबिलिटी है कि सी हॉर्स जीतेगा, इनकी तीनों की अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे ना तो वो हमको किसके इक्वल मिलेगी, 1 के इक्वल मिलेगी। अब ये 1 के इक्वल क्यों मिलती है, 1 के इक्वल क्यों मिलती है, यानी कि देखो कोई ना कोई तो हॉर्स जीतेगा ही जीतेगा, या तो वो ए जीते या बी जीते या सी जीते, ओके, कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा। तो अगर हम लोग ये तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। 1 मतलब 100%, 1 मतलब क्या होता है 100%। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 से लगा के 1 तक होती है। अगर 1 आई प्रोबेबिलिटी मतलब कि श्योरिटी के साथ वो होगा ही होगा, वो जो इवेंट है वो होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसका मतलब क्या है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई ना कोई तो जीतेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग ऑफ द ए हॉर्स, विनिंग ऑफ द बी हॉर्स, विनिंग ऑफ द सी हॉर्स, कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा, इसलिए इनकी तीनों की अगर प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड करते हैं तो वो 1 के इक्वल होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है, अभी बस वैल्यूज को पुट करो, तो वैल्यूज को पुट करो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ए हॉर्स है हमारे पास 4x और बी हॉर्स का है 2x प्लस सी हॉर्स का है x एंड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस 2x प्लस x होगा हमारा 7x एंड दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू मिल गया हमको 1/4 5 6 7। हाँ बरोबर, तो यानी कि x की वैल्यू मिल गई 1/7। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो हमको फाइंड करनी है। तो अभी हम लोग निकालेंगे इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ए हॉर्स क्या था, 4x था बरोबर। तो अभी x की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 4 इंटू x की वैल्यू मिल गई है 1/7, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4/7। ओके, 4 1 4 और /7। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बी हॉर्स क्या था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या था 2x है, तो 2 मतलब 2 इंटू x के जगह पे लिखेंगे 1/x, तो ये हो जाएगा 2/7। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द सी हॉर्स हमने x लिया था, तो वो हो जाएगा, x की वैल्यू मिल गई 1/7, तो ये 1/7 हो जाएगा। अगर आप लोग देखो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे ना, दैट इज 4/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7 करोगे ना, तो आप लोग देख लेना आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा। ऐड करके देख लो, आपको 1 मिलेगा। 4 + 2 6 6 + 1 7, दैट इज 7/7 क्या होगा, 1 होगा। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल मिलता ही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये पूरा क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन फाइनली करने वाले हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं मिस्टेक बता दूंगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। देखो पहले भी ऐसा थोड़ा टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, बरोबर। क्या बोला, एक बैग है, उसके अंदर 8 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स है। क्या बोला है, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली, यानी कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि उस बैग से हम लोग कोई भी एक बॉल रेंडमली उठा रहे हैं, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो हमको क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल टू अ ब्लू बॉल आर इन द रेशियो 5:2, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैक। ठीक है, हमको यहाँ पे देखो क्या दिया है। सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक बता देती हूँ, ये जो रेशियो दिया है वो गलत दिया है, ये रेशियो जो है वो उल्टा होगा, दैट इज 2/5 होगा। तो इसको पहले आप करेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आपको आप ये रेशियो लेके सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर फ्रैक्शन में मिलेगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। तो मैं बता दे रही हूँ सेफ्टी के लिए, पहले ही कर दो, ये रेशियो को थोड़ा सा राइट कर दो। ठीक है, हमने रेशियो को राइट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, मैं क्वेश्चन को अच्छे से अपने ओन लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक बैग है, इसके अंदर बोला है कि 8 रेड बॉल्स है और कुछ ब्लू बॉल्स है। कुछ ब्लू बॉल्स बोला है तो हम लोग ले लेंगे कि लेट x ब्लू बॉल्स है, हमने मान लिया कि चलो x ब्लू बॉल्स है। ठीक है, ये समझा नंबर 1। तो वही सबसे पहले लिखेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल्स बी x, और जो रेड बॉल्स है वो कितने हैं, 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए बैग में, x + 8 है ना, x ब्लू बॉल और 8 रेड बॉल। तो दोनों को मिला दो, दोनों को ऐड कर दो, तो इतने बॉल्स है बैग के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस भी यही होगा, दैट इज एक्स प्लस एट बोलो या एट प्लस एक्स बोलो, एक ही बात है, दैट इज एक्स प्लस एट होगा। अब ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कैसे होगा, ये एक्स प्लस एट क्यों होगा? देखो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि वो बैग है, उसके अंदर से हम लोग रैंडमली कोई भी एक बॉल उठा रहे हैं, वो एक बॉल कोई भी हो सकता है। ये जो हमारे पास इतने बॉल्स है, 8 रेड बॉल और एक्स ब्लू बॉल में से वो बॉल कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा जो सैंपल स्पेस के अंदर जो सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, एक्स प्लस एट मिलेंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन दी है, वो कंडीशन आपको रीड करनी है और उसको पहचानना है। वो कंडीशन क्या है देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल टू अ ब्लू बॉल आर इन द रेशियो 2:5, यानी कि यहाँ पे रेशियो दिया है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल का और जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल का, उनका जो रेशियो है वो दिया है हमको, दैट इज 2:5। देखो यहाँ पे फिर से एक बार इसको पढ़ो, जो मैंने ये येलो कलर में हाईलाइट किया है ना, उसको एक बार फिर से पढ़ो। क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल टू, टू मतलब यहाँ पे रेशियो का सिंबल लगाओ, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, वो जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है उनका जो रेशियो है वो दिया है, दैट इज 2:5। ये जो रेशियो है ना दोनों प्रोबेबिलिटी का, उसका रेशियो दिया है 2:5 और हमको फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमने बॉल उठाया है वो कौन सा है, ब्लू कलर का बॉल है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम बॉल उठा रहे हैं वो ब्लू कलर का बॉल है? तो अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस बैग के अंदर कितने ब्लू बॉल्स है। अगर हमको पता ही नहीं है कि इस बैग के अंदर कितने ब्लू बॉल्स है तो हम वो प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि कितने ब्लू बॉल्स है इस बैग के अंदर। तो हम पहले एक्स निकाल रहे हैं, एक्स निकालेंगे तो उसके बाद हमको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये रेशियो दिया है, ये रेशियो याद रखना। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल आर इन द रेशियो एंड दैट रेशियो इज 2:5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के दोनों बॉल्स जो है उनका क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और वो जो रेशियो दिया है उसको हम लोग मैथमेटिकली लिख के सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे बताती हूँ, लेट ले लो कि एक इवेंट है हमारे पास, एक इवेंट हम लोग आर ले लेते हैं। रेड बॉल के लिए आर इवेंट ले लेंगे, ब्लू बॉल के लिए ब्लू इवेंट ले लेंगे। ठीक है, मतलब ब्लू बॉल के लिए बी इवेंट ले लेंगे। तो लेट आर इवेंट ले लेते हैं, वो क्या है कि जो बॉल हमने ड्रॉन की है, बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल, इज रेड बॉल। तो हमको पता है कि कितने रेड बॉल है, यस रेड बॉल पता है, वो है 8। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग और रेड बॉल जो है वो हो जाएगा 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, x प्लस 8। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम लोग यहाँ पे एक इवेंट b लेंगे और इवेंट b जो होगा वो क्या होगा, बॉल ड्रॉन इज ब्लू बॉल, बॉल ड्रॉन इज ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल है तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने हैं वो तो हमने x लिया है तो x लिख देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल विल बी व्हाट, जो फॉर्मूला है वो लिख दो, तो वो लिख दिया, दैट इज x अपॉन, क्योंकि x है और ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है x प्लस 8। इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब बाय गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है ना उसको मैथमेटिकली लिखो। गिवन कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ये जो रेशियो है वो है 2:5। ठीक है, ये रेशियो मैथमेटिकली लिख दिया। अब ये जो दो वैल्यूज है ना वो पुट कर लो, क्योंकि वो अभी जस्ट हमने ताजा निकाले हैं। देखो ताजा क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल जो है वो है 8 अपॉन x प्लस 8। ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल कितना है वो अभी जस्ट ताजा मिला था, दैट इज x अपॉन x प्लस 8। तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दिए एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 2/5 होगा। इसको दे दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये x प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 8 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2/5। ठीक है, अब ये जो हमारा x यहाँ पे डिवाइड में है उसको वहां पे शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये जो 2/5 है यहाँ पे, इसको वहां पे शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 एंड इज इक्वल्स टू x। तो 2 1 जा 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 5 हो जाएगा 20 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 20 मिल गया। x 20 मिल गया मतलब क्या मिल गया कि जो ब्लू बॉल्स है, यानी कि जो इस बैग के अंदर जो ब्लू बॉल्स है वो कितने हैं, 20 है। कितने ब्लू बॉल्स है? 20 ब्लू बॉल्स है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मतलब हमारा सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। फाइनली अभी हमको क्या निकालना है? बोला है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हमने उठाया है वो ब्लू कलर का बॉल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अभी फिर से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना है फ्रॉम इक्वेशन टू हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज गिवन बाय, यहाँ पे हमारा आंसर आया था, मतलब यहाँ पे आंसर आया था लेकिन वो x के फॉर्म में आया था, लेकिन अब हमको x की वैल्यू मिल गई है तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे। तो x की वैल्यू मिली है 20/20 + 8, ओके। x की जगह पे 20 पुट किया तो दैट इज इक्वल टू 20/20 + 8 होगा 28। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 10s और 2 14s बरोबर, उसके बाद 2 5s 2 7s, यानी कि 5/7 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट में करना है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन लास्ट में करना है, दिस ये वाला लास्ट में करना है। तो आई होप आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का जो हमारा सोल्यूशन है वो समझा होगा। देखते रहिए ये चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।